नमस्कार, मेरा नाम है मोनी चौहान, प्रज्ञा विद्वान, एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ एकलव्य आवासीय विद्यालय कक्षा छठवीं प्रेस टू प्रश्न पत्र गणित भाग से पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन का आज के वीडियो में बताऊंगा। मतलब प्रश्न क्रमांक 600 से लेकर प्रश्न क्रमांक 70 तक पूरा गणितीय हल आप लोग को बताते चलूंगा और साथ में समझाते जाऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ एकलव्य आवासीय विद्यालय कक्षा छठी प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वाले गणित सेक्शन से आप लोग को बताऊंगा। प्रश्न क्रमांक 600 से लेकर प्रश्न क्रमांक 70 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 66, 4 दर्जन केले का मूल्य 120 रुपया है, तो एक केले का मूल्य होगा ए 3 रुपया, बी 3 रुपया 50 पैसा, सी 2 रुपया 50 पैसा, डी 2 रुपया। इसका सही उत्तर है 2 रुपया 50 पैसा। अब ये कैसे आया है, तो चलिए मैं आप लोग को इसका हल मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 66, तो इसका प्रश्न पहले से पढ़ लिया हूँ, अब यहाँ से पढ़ता हूँ उत्तर। 4 दर्जन केले का मूल्य 120 रुपया है। कितना है? 4 दर्जन केले का मूल्य 120 रुपया। तो हम क्या करेंगे, 120 को 4 से भाग करेंगे, तो भाग करने से आपका ये 30 रुपया आएगा। जैसे 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 0, 2 एकम 2, 2 3 6, 0, तो ये 30 रुपया आ गया। तो इस तरह से हल किया जाता है, चाहे तो आप मन में भी हल कर सकते हो। ये आपको समझाने के लिए इसको मैंने डिटेल में लिख दी है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप जितना हो सके शॉर्टकट तरीके से आप मन में हल कर सकते हो, या रबकारी दिया रहता है वहां पर शॉर्टकट तरीके से हल किया जाता है, ना कि सिलेबस यहाँ पर लिखा जाता है। ये आपकी सामान्य परीक्षा में इस टाइप का लिखना रहता है, जैसे मैं आपके सामने ये लिखा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 67, प्रथम 5 प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 का औसत होगा। ए 15, बी 5, सी 7.5, डी 3। इसका सही उत्तर है 3। अब ये 3 कैसे आया, कैसे हल करते हैं, तो हम इसके लिए आप लोग के लिए हल करके रखे हैं। यहाँ पर है आपका प्रश्न 67, प्रश्न क्रमांक 67, प्रथम 5 प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 का औसत क्या होगा। औसत है ये आपका, ये सूत्र है दी हुई राशियों का योग। यहाँ पर दिया हुआ है राशि है, इसका योग करना है, और राशियों की कुल संख्या, जो राशि का कितना संख्या है, इसमें 5 संख्या दिया है तो 5 आएगा। जैसे यहाँ पर दिया है 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 / 5। ये 5 क्यों आया, यहाँ पर गिनती कर 1 2 3 4 5, 5 तो संख्या है तो 5 लिख दिया। इसके बराबर इसको पहले जोड़ लिया, कितना आया 15 आ गया। तो हम अभी भी जोड़ के देख सकते हैं, जैसे 5 4 9 होता है, 9 1 10, 3 2 4 5, 10 5 15 है। ठीक है, तो 5 3 15, ये 3 उत्तर आ गया। तो इसी तरह से औसत का प्रश्न को हल किया जाता है। तो चलिए अगला बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 68, 1/2 ऋण 1/4 का मान होगा। ए 1/4, बी 1/8, सी 1/2, डी ऋण 1/4। इसका सही उत्तर है 1/4। अब ये कैसे है, कैसे हल किया जाता है भिन्न वाले प्रश्न को, तो इसका मैंने हल करके रखे हैं, मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पर लिखा है प्रश्न क्रमांक 68, 1/2 ऋण 1/4 का मान होगा। ये भी आपकी कक्षा 5वीं के पाठ्य पुस्तक से आया हुआ है, गणित गणित के पाठ्य पुस्तक से। वहाँ भिन्न वाला कुछ चैप्टर होगा, पार्ट होगा, वही से आया हुआ है। ठीक है, बहुत ही सरल है। इसमें आप लोग को क्या करना है, इसमें आपको पहले एलसीएम जात कर लेना है, मतलब लघुत्तम समाप्त प्रवर्तक जात कर लेना था। यहाँ पर जात करके रखा हूँ,
जैसे यहाँ पर 2 4 किया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अब इससे आगे तो नहीं जा सकता, वही मतलब है। तो 2 दूनी 4 कर लिया यहाँ पर, फिर 2 से इसको भाग कर दिए, 2 दूनी 4, 1 से गुणा किए 2 एकम 2, फिर इसके 4 को इससे भाग दिया तो 1 आया, 1 गुणे 1 1 आता है। उसके यहाँ पर ऋण है, इसको घटा दिए 1/4 का, ये उत्तर आ गया। ठीक है, इसका सही विकल्प मैं भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर यह 1/4। अगला बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 69, 0.6 का सरलतम रूप बताइए। ए 4/5, बी 3/5, सी 6/5, डी 7/5। इसका सही उत्तर है बी 3/5। आप ये कैसे है, इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इसका हमने आप लोग के लिए हल करके रखे हैं। ये देखिए, इसको करते हैं। प्रश्न क्रमांक 69, 0.6 का सरलतम रूप बताइए। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बटा में बदलेंगे, 0.6 को बटा में बदलेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर बटा बदलने तो आता होगा, यहाँ पर जैसे यहाँ पर दशमलव आया तो 10 आएगा, इधर दशमलव आएगा 100 आएगा। ठीक है, ऐसा ऐसे कह सकते, इसको 0 मान लो, इसको 1 मान लो, तो 10 हो गया, 6/10। अब इसको काट दिए, इससे काट दिए, 2 से काट दिए, सबसे जो न्यूनतम है उसी से काटा जाता है। ठीक है, जैसे 2 है तो ऊपर नीचे कट रहा है, जैसे 2 6 तो 5 10, तो आ गया 3/5, ये आपका उत्तर है। तो चलिए अगला बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 70, 90° वाले कोण को कहते हैं। ए न्यूनतम कोण, बी अधिक कोण, सी समकोण, डी त्रिजु कोण। तो इसका सही उत्तर है समकोण, क्योंकि इसमें 90° बनता है। तो मैं आपका सबका ये चित्र के माध्यम से दिखाऊंगा कि किसको किसको न्यूनतम कोण बोलते हैं, किसको अधिक कोण बोलते हैं और कैसा दिखते हैं। तो अगला बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 70, 90° वाले कोण को कहते हैं। आप यहाँ पर देखिए, न्यून कोण कैसा रहता है, न्यून कोण ऐसा रहता है, ये आपका 90 से 30° के आसपास रहता है। ठीक है, इसको मतलब ये झुका रहता है तो उसको न्यून कोण बोल देते हैं। अधिक कोण ये आपके 90° से अधिक हो जाता है, 80 है, 100° है, तो उसको अधिक कोण बोल देते हैं। अब इसके बगल में समकोण, समकोण में क्या है, 90° बनता है, चाहे यहाँ से बनता है चाहे नीचे से बनता है। ठीक है, उसके बाद त्रिजु कोण, त्रिजु कोण क्या है, एकदम समांतर रहता है, सीधा रहता है, इसको त्रिजु कोण कहते हैं। तो प्रश्न के अनुसार आपका समकोण समकोण सही है, तो यहाँ पर मैंने राइट क्वेश्चन लगा दिया। ये आपको बता दिया हूँ कि न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, त्रिजु कोण कैसे दिखता है, आप तो चित्र के माध्यम से समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, यह एकलव्य विश्वविद्यालय कक्षा छठवीं प्रेस से तो प्रश्न पत्र गणित भाग से प्रश्न क्रमांक 66 से लेकर प्रश्न क्रमांक 70 तक तो मैं सारे क्वेश्चन आंसर मैंने बता दिए हैं। तो बहुत ही सरल प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप लोग बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो अपने बच्चे को जरूर बताइएगा ये सारी चीजें, और घर में प्रैक्टिस करवाती रहिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का जो प्रश्न होते हैं वो आपके गणित की पुस्तकों के बीच से पूछे जाते हैं और घुमा फिरा कर भी पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा अभ्यास की जरूरत पड़ती है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के लिए ये एक नया होता है, क्योंकि इसके पहले ऑब्जेक्टिव टाइप का कोई प्रश्न नहीं होता है, उसके लिए उनका नया होता है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे हल किया जाता है, ओमन से कैसे फिलअप किया जाता है, आपका जो नवोदय हो गया, जो अवस्कर्ष हो गया, एकलव्य हो गया, ये इस तरह से उमर सीट में पूछे जाते हैं। तो यह वीडियो आप लोग को कैसे लगा, और यह वीडियो आप लोग को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और यदि आप इस चैनल में नए आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन बटन को क्लिक कर दें, और इस तरह का मैं नया नया जानकारी लेकर आते रहूंगा। जय के जय दीजिएगा, जय हिंद, जय भारत।